पास इनके पिता ने ऐसा व्यवस्था बनाया क्योंकि उनको एक ऋषि ने बताया, ज्योतिषी ने, कि आपका बेटा बड़ा होकर सन्यासी बन जाएगा। तो उनके पिता को बहुत दिन के बाद एक पुत्र का प्राप्ति हुआ था, तो वो सोचते थे कि हमारा पुत्र हमारे वंश को आगे बढ़ाए, हमारे शासन को देखे। लेकिन वो तो इसके लिए उन्होंने जानते हैं क्या किया था, जितना भी अपने आसपास का राज्य था, साम्राज्य था, सब में एक भी दुखी आदमी नहीं दिखना चाहिए, एक भी बुरा आदमी नहीं। जितना देर तक सिद्धार्थ जाते थे, जितना दूर तक घूमने भ्रमण करने, सभी में मतलब खुशहाल, पूरे अच्छा अच्छा पेड़ पौधा वातावरण बनाए, दुखी लोग को रहने नहीं, जो बीमार पड़े उसको रहने नहीं देते थे, ताकि सिद्धार्थ के मन में कभी भी वैराग उत्पन्न ना हो, संसार को छोड़ने का मन ना करे। लेकिन ये तो होना ही था। एक दिन सिद्धार्थ संयोग से जा रहे थे, कहीं पे उनका दुर्बोधन था प्रजा में, तो वो जा रहे थे और एक बूढ़ा आदमी को देख लिए। तो आज तक बूढ़ा आदमी को देखे ही नहीं थे, तो पूछे अपने सारथी से, बोले ये सिद्धार्थ अभी आप युवा हैं, लेकिन एक उम्र के बाद आप भी बूढ़े बन जाएंगे। फिर कुछ देर और आगे बढ़े तो एक मृत शव जा रहा था, तो बोले ये क्या है, क्योंकि आज तक वो किसी आदमी को मरते नहीं देखे थे, ये भी नहीं जानते थे कि आदमी मरता भी है। उनको लगता था सब दिन युवा ही रहेंगे, इतना सुख सब समृद्धि हमको मिलते रहे। तो वो पूछे ये क्या, बोले ये सब है, एक दिन सबको मरना पड़ेगा। तुमको अंदर ये सब घटना को देख के उनके अंदर बैराग उत्पन्न हो गया, और वो उसी समय अपने सारथी को बोले कि आप घर जाइए, और वो जंगल की ओर चले गए। तो उनसे सारथी पूछा कि आपको जंगल में क्या मिलेगा, हमसे पूछिए सिद्धार्थ, हम गए हैं जंगल, वहाँ पे सिर्फ लकड़ी मिलेगा, ये मिलेगा, कष्ट मिलेगा। लेकिन सिद्धार्थ बोले कि अब तुम महल देख नहीं सकते, हम महल में रहे हैं सारथी, तुम सब दिन महल से बाहर रहे। तो अमीर से पूछिए कि धन का क्या सुख होता है, वो आपको बताएंगे धन का दुख। गरीब को तो लगेगा नहीं कि हमको धन प्राप्त हो जाए तो हमको सुख मिलेगा, जो चीज़ जिसको प्राप्त होता है वो उसका दुख और सुख दोनों बता सकता है। और जैसे हमको धन प्राप्ति नहीं तो हम धन का क्या बताएंगे कि इससे दुख भी होता है। संसार में जितने भी चीज़ हमको सुख पर पहुँचाती है उससे ज़्यादा हमको दुखी करेगी। इसलिए विद्यार्थी जीवन में ही अपने अंदर बैराग लाइए। बैराग का मतलब ये नहीं कि अपना घर परिवार छोड़ के जंगल चल जाइए। मतलब अपरिग्रह योग में नियम है, अपरिग्रह मतलब कम चीज़ों से, जितना चीज़ से हमारा जीवन चल सके उसी से लगाव रखिए। क्या फालतू का गाड़ी, 10 गाड़ी हम अपने अपने लिए जमा करके रखें, उसका क्या जरूरत है। हाँ 10 गो अपने गार्जियन को बोले कि हमको 2-4 यूनिफॉर्म सिला दीजिए, लेकिन एक ही यूनिफॉर्म से हमारा काम चल सकता है ना, तो एक ही से चलाइए। क्यों संसाधन को, क्यों अपने परिवार के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं। तो उसी दिन अच्छे सिद्धार्थ की तरफ तपस्या किए, तो एक दिन वट वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे उनको बोधत्व का प्राप्त हो गया, और वो सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। तो क्या हम नहीं बन सकते हैं, जरूर बनेंगे। तो अपने घर पे अभ्यास करते हैं, जंगल कोई नहीं जाइएगा, नहीं तो सब बोलेंगे कि भैया सबको जंगल भेज दिए। घर में भी यह हो सकता है, माता पिता का सेवा करना है, गुरु का आशीर्वाद लीजिएगा, समाज में एक सब बच्चा बनिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, समाज में कितने लोग बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, वो स्कूल नहीं जाते, उनको आप सिखाइए। कौन सिखाएगा, जैसे हम लोग सीखें तो आपको आए ना सिखाने, आप जो पढ़ते हैं उनको जाकर 1 घंटा आधा घंटा समाज के बच्चों को पढ़ाइए, फ्री में, उनसे पैसा मत लीजिए। हम आपसे पैसा लिए हैं नहीं ना, आप सिखाइए बच्चों को, उससे आप भी सीखेंगे और वो बच्चा का भी भला होगा, उसके माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे ना, वो बच्चा साक्षर बनेगा, जिससे एक अच्छा समाज बनेगा। बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अब समापन करता हूँ।